कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनकर स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। हमने पहले इस पर एक वीडियो जारी किया था, आप वापस इसे देख सकते हैं। नवीनतम अपडेट में कर्नाटक उच्च न्यायालय की बेंच ने हिजाब मुद्दे की सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। कोई अंतरिम निर्णय नहीं लिया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल सकते हैं, लेकिन याद रखें, छात्रों को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मों से संबंधित किसी भी कपड़े को पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब तक अदालत द्वारा अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की जाती। मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई ने 10 फरवरी को एक बैठक की अध्यक्षता की थी और घोषणा की कि 14 फरवरी 2022 से राज्य में हाई स्कूल खुलेंगे। 11वीं और उससे ऊपर के कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की घोषणा बाद में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हिजाब मुद्दे पर टिप्पणी की, लेकिन परोक्ष रूप से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में शानदार काम कर रहे हैं। जब भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया था, उस समय योगी ने इसका बहुत समर्थन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमने हमेशा मुस्लिम महिलाओं का समर्थन किया है, लेकिन विपक्ष हमेशा समस्याएं पैदा करता है और मुस्लिम समुदाय को भाजपा के खिलाफ भड़काता है। ऐसी पार्टियां आगामी चुनावों को लेकर समुदाय को भाजपा के खिलाफ भड़का रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा, हिंदू, इस्लाम आदि धर्म से संबंधित धार्मिक वस्तुओं को स्कूलों और कॉलेजों में नहीं ले जाना चाहिए। स्कूलों में जहां कहीं भी यूनिफॉर्म है, वहां उसके अलावा किसी अन्य ड्रेस के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर छात्र जो चाहे पहन सकते हैं, लेकिन स्कूलों में उन्हें यूनिफॉर्म का पालन करना होगा। कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना आदि जैसे दलों से संबंधित राजनीतिक चीजें भी कॉलेज में नहीं मंजूर की जाएगी। यहां तक कि शैक्षणिक स्थानों पर धार्मिक वस्तुओं की भी अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर लोग जो चाहे पहन सकते हैं। ये स्थान शिक्षा के लिए है और शिवसेना की केवल एक ही भूमिका है और वह है स्कूलों में उच्च श्रेणी की शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना। कई राजनीतिक दल कह रहे हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब की अनुमति दी जानी चाहिए। जबकि कई पार्टियां इस पर असहमति जता रही है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि हिजाब की अनुमति ना देकर कई मुस्लिम परिवार अपनी लड़कियों को शिक्षित करने की अनुमति नहीं देंगे। इससे मुस्लिम महिलाओं का अधिक उत्पीड़न हो सकता है और उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहस जारी है। हिजाब के मुद्दे पर अधिक अपडेट जानने के लिए ISH न्यूज देखते रहिए।